एपोक्लिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इस मूवी की भाषा किसी को समझ नहीं आती, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है कि इसमें भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम हर किसी को रेकमेंड करेंगे कि इस मूवी को जरूर देखें। मूवी शुरू होती है और मूवी शुरू होने के साथ ये दिखाते हैं कि जंगल में एक जंगली कबीला एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं। सुअर भाग रहा होता है और वो सुअर को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह से कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सुअर का पैर एक रस्सी से टकराता है, जो कि उन्होंने एक फंदा लगाया होता है। दरअसल वो इस तरह के फंदे जंगल में लगा के रखते हैं। तो जैसे सुअर का पैर रस्सी से टकराता है, सामने से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है, जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं और सुअर के पेट में घुस जाती हैं और सुअर मर जाता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। ये जो कबीला है, ये बहुत ही हंसी मजाक, बहुत ही मस्ती करने वाला कबीला होता है। इसके बाद वो शिकार को वहीं पर काटते हैं और सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए देते हैं। किसी को दिल देते हैं, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं। अब जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर के टेस्टिस निकाल के देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था। मेरी 8 बहनें हैं और एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी कि हम टोटल 10 हैं। मेरे पिताजी ने 10 बार खाया था तो उनके 10 बच्चे हुए। और जो उसे ये बोलता है वही इस फिल्म का मेन हीरो है। उसके पिताजी पीछे खड़े होते हैं। वो आदमी इशारे से उनसे पूछता है कि क्या आपने खाए थे। बोलता हाँ। अब जैसे ही वो उसे खाता है, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, वो खा ही नहीं पाता। इतने में सब हंसने लग जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के जो पिताजी होते हैं, जिन्होंने बोला था कि मैंने खाया था, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। उसको अपने साथ साइड में ले जाते हैं। साइड में ले जाकर उसे बोलते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है कि सच में क्या ऐसा हो सकता है। वो कहता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत स्ट्रांग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। वो कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है और उसी टाइम खाने वाला होता है। वो कहता है इसे अभी मत खाना, जब तुम संभोग करोगे उससे पहले अपने लिंग में इसे लगा लेना, खाना मत। वो कहता है ठीक है। अब वो वापस जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है जो सुअर को काट रहे होते हैं। तभी जो इसमें हीरो होता है, उसको ऐसा लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। वो खड़ा हो जाता है और उस तरफ जंगल की तरफ देखता है। वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी वहां से कुछ आदिवासी निकल कर आते हैं और वो 4 बड़ी बड़ी मछली उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ से गुजरना चाहते हैं। वो 4 बड़ी बड़ी मछलियां उठा लेते हैं और बदले में जो उन्होंने शिकार किया होता है उसका एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से गुजर सकते हो। इसके बाद पीछे से और बहुत सारे आदिवासी आ जाते हैं और वहां से गुजरने लग जाते हैं और इनमें से कई लोगों को चोट भी लगी हुई है। ये सब देखने के बाद हीरो उनसे पूछता है कि हुआ क्या था। वो बोलते हैं कि हमारा कबीला तबाह हो गया था और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन हीरो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि हुआ क्या था। तभी उसका बाप उसे रोक लेता है, कहता रुक जाओ, और वो रुक जाता है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि वापस गांव चलो और सब वापस गांव की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन पूरे रास्ते में हीरो काफी परेशान होता है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम परेशान हो। वो कहता हाँ मैं हूँ। उसके पिता बोलते हैं कि वो जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई इलाज नहीं होता, और मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना ये डर लेकर गाँव में तो बिल्कुल मत जाना। अब वो अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। उनका कबीला काफी खुशहाल होता है, सब हंसी मजाक करते हैं और वो आदमी जिसका सब मजाक उड़ाते हैं उसको आके एक बुढ़िया पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वो उसे कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया, मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वो और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं ताकि वो सहवाग कर सके। आपको याद होगा कि हीरो के पिता ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने लिंग पर लगा लेना और इसे बच्चा पैदा हो जाता है। अब जैसे ही वो उसे अपने लिंग पर लगाकर सहवास करना शुरू करता है तो उन दोनों को बहुत जलन होना शुरू हो जाती है। दरअसल वो कोई दवा नहीं होती बल्कि वो मिर्ची का पाउडर होता है और वो दोनों बाहर भागते हैं और सब उन पर बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जो इसमें हीरो होता है अपने घर पर जाता है, अपनी पत्नी से मिलता है, उसका एक बेटा होता है और एक बच्चा उसकी पत्नी के पेट में होता है। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन हीरो कहीं ना कहीं खोया होता है क्योंकि आज सुबह जो उसने उस कबीले की हालत देखी होती है उससे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया था। उसकी पत्नी उसे बोलती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों, मेरे पास वापस लौट आओ, और वो अपनी पत्नी की गोद में सिर रख के लेट जाता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो सुबह वाली सारी बातें घूम रही होती हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि उसे रात को एक सपना आता है और सपने में उसे वही आदमी आता है जिसने सुबह उसे मछलियां दी थी। उसका पेट फटा हुआ है, उसके हाथ में मांस है और सामने कुत्ता भौंक रहा है और वो उन्हें बोलता है कि भागो। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और बाहर सच में कुत्ता भौंक रहा होता है।
तभी बाहर एक आदिवासी को दिखाते हैं जो कि बहुत ही खूंखार होता है और उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं। वो अपने साथियों को इशारा करता है, तभी उसके सारे साथी बाहर आते हैं जिनके हाथों में मशाले होती हैं। अब वो सब उनके कबीले की ओर बढ़ते हैं। हीरो तो पहले से उठा होता है, उसको एहसास होता है कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। वो बाहर जाके देखता है तो उसे एक दो मशाले दिखती हैं। वो अंदर जाता है, जल्दी से अपने बीवी बच्चों को उठाता है और बाहर की तरफ ले जाता है। तभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी उसे देख लेता है जो उसके कबीले की ओर बढ़ रहे होते हैं और वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो जो हीरो होता है वो उसे मार देता है और अपने बीवी बच्चे को लेकर एक कुएं के पास जाता है, उन दोनों को बांधता है और कुएं के नीचे छोड़ना शुरू कर देता है। कुआं बहुत गहरा होता है तो वो धीरे धीरे अपने बीवी बच्चों को नीचे छोड़ रहा होता है क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी होती है। अब तक जितने वो आदिवासी थे जो उसके कबीले की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने उसके कबीले पे हमला कर दिया है, सारा कबीला जला दिया है, आदमी और औरतों को मार रहे हैं, उन्हें बंदी बना रहे हैं। जो कबीला बाहर से आया होता है वो बहुत ही खूंखार होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। अभी हीरो अपनी बीवी और बेटे को नीचे कुएं में छोड़ ही रहा होता है कि तभी वहां से एक आदिवासी उसे देख लेता है और उसकी तरफ भागता हुआ उसे मारने के लिए आता है। अब वो जल्दी जल्दी से अपनी बीवी को नीचे छोड़ना शुरू कर देता है और उसकी बीवी नीचे गिर जाती है। इतने में वो आदमी पीछे से आदिवासी जिसने उसे देख लिया था वहां पे आ जाता है, उन दोनों की हाथापाई होती है। वो उसकी पैर पे एक अड़ंगी मारता है और वो भी आदमी कुएं में गिरने वाला होता है, लेकिन उसका पैर पकड़ लेता है और अब वो जो आदमी लटका होता है वो नीचे देख लेता है कि एक औरत है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को बता पाता हीरो उसे मार देता है और वो बोलता है कि मैं अपने कबीले की अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, उनकी मदद के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं रुकना। उसकी बीवी बोलती है कि तुम मत जाओ। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं आऊंगा और वो वहां चला जाता है। लेकिन वहां से जाने से पहले वो एक बहुत बड़े पत्थर में एक रस्सी बांध देता है और उसका एक छोर कुएं के अंदर डाल देता है ताकि अगर वो ना भी आ पाए तो उसकी बीवी और बच्चे उस रस्सी के सहारे से ऊपर आ जाए। अब वो अपने दोस्तों की मदद के लिए जाता है, वहां वो उनसे खूब फाइट करता है। इतने में जो उनका एक मेन सिपे सलार होता है हीरो की उससे फाइट हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है और वो चाकू लेके हीरो को मारने वाला होता है, लेकिन हीरो उसका चाकू पकड़ लेता है और उल्टा उसी मारने वाला होता है, मरने वाला होता है। तभी उनके कबीले का सरदार आ जाता है और हीरो को पीछे से बंदी बना लेते हैं। अब जब वो हीरो को बंदी बना लेते हैं तो हीरो जिसको मारने वाला होता है वो हीरो को मारना चाहता था, वो उसे मारने वाला होता है कि उनका कबीले का सरदार रोक देता है, बोलता है मुझे जिंदा चाहिए। अब वो हीरो को बंदी बना लेते हैं और हीरो के सामने उसके पिताजी भी बंदी बने होते हैं। हीरो अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। ये बात वो आदमी सुन लेता है जिसको हीरो मारने वाला होता है और वो उससे बदला लेने के लिए उसके पिताजी का उसके सामने गला काट देता है। इसके बाद वही आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा होता है लकड़ी के हथियार से हीरो के मुंह पे बहुत जोर से मारता है और वो बेहोश जाता है। सुबह जब हीरो को होश आता है तो वो देखता है कि गांव के सारे जवान आदमी और जवान औरतों को बंदी बनाया होता है और वो उन्हें कहीं ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हीरो कुएं की तरफ देखता है। जब वो हीरो कुएं की तरफ देख रहा होता है तो वही आदमी जिसने उसके पिताजी को मारा था वो उसे देख लेता है और उसे शक होता है कि कुएं में उस तरफ कोई है। वहां जाकर वो देखता है तो उसके एक साथी की लाश पड़ी होती है जिसको हीरो ने मारा होता है। अब वो कुएं के अंदर झांकता है तो कुएं के अंदर उसे कुछ नहीं दिखता क्योंकि हीरो की जो वाइफ अंदर होती है उसे पता चल जाता है कि ऊपर कोई है और वो अंदर एक सुरंग टाइप की होती है, वहां पर अपने बेटे को लेकर छुप जाती है। लेकिन उसे अभी भी शक होता है कि कुएं के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है क्योंकि उसमें एक रस्सी भी लगी होती है। इसके बाद वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और कुएं के अंदर फेंक देता है और रस्सी को काट के वापस आ जाता है। अब जितने भी लोगों को उन्होंने बंदी बनाया होता है उन्हें वहां कबीले से लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वो लोग भी मिलते हैं जो सुबह उन्हें मिले थे, जिन्होंने उन्हें मछली दी थी, उन लोगों को भी बंदी बनाया होता है और उनके साथ उनको लेकर आगे निकल पड़ते हैं, लेकिन वो बच्चों को वहीं छोड़ देते हैं। अब वो कबीले से निकलने के बाद एक बहुत लंबी जर्नी तय करते हैं। रास्ते में नदी आती है, पहाड़ आते हैं, जंगल आता है और इस पूरी जर्नी में बहुत अच्छे सीन्स हैं। जब आप मूवी देखोगे तभी आपको ये सीन्स समझ में आएंगे। अब ये लंबी जर्नी तय करने के बाद फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना था। अब बाहर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है, वहां कुछ बीमारी फैली होती है, वहां पर एक बच्ची भी होती है। तो बच्ची कुछ भविष्यवाणी करती है, वो बोलती है कि पता है तुम कैसे मरोगे, कहती है कि बहुत ही जल्दी पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा तो तुम लोग अंधेरे से सावधान रहना। उन लोगों को बोलती है जो वहां के आदिवासी होते हैं जो उन्हें पकड़ के लेके आते हैं, मतलब जो विलन होते हैं। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी एक की वजह से बाहर ले जाएगा और तुम सबका अंत हो जाएगा, तुम्हारी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके बाद वो आगे जाते हैं तो देखते हैं वहां उनके जैसे हजारों लोग बंदी हैं जो वहां मजदूरी कर रहे होते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है, कोई खून की उल्टियां कर रहा है, कोई बीमार है, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं छोड़ते और एक गांव से होते हुए उन्हें आगे ले जाते हैं। इस गांव में भी सभी मजदूर और बंदी लोग होते हैं। अब उन्हें एक चबूतरे पर ले जाया जाता है और उनके पूरे शरीर में नीले रंग का पेंट लगाया जाता है। यहाँ पर वो लोग भी होते हैं जिनके गुलाम होते हैं और यहाँ पे कबीले के सरदार का स्वागत भी किया जाता है जो इन सबको यहाँ तक बंदी बनाकर लाया है। एक आदमी पूछता है कितने बंदी हैं। कबीले का सरदार बोलता है कि मेरा बेटा बताएगा, पर इस बार पैसे अच्छे देना। वो व्यापारी बोलता है कि हमेशा की तरह पैसे अच्छे मिलेंगे। मतलब यहाँ पता चलता है कि ये लोग इनको जंगल से पकड़कर बेचने के लिए लाते हैं। अब वो उनकी सारी औरतों को ऊपर खड़ा करके उनकी बोली लगाकर उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद जितने भी बंदी आदमी होते हैं वो उन्हें वहां से एक जगह ले जाते हैं। वहां बहुत भीड़ होती है और ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और लोगों की गर्दन काटकर उनकी बलि दी जा रही होती है।
ये लोगों की बलि देकर भगवान को खुश करने की बात कर रहे होते हैं। तभी वो उनमें से जिन्हें अभी अभी पकड़ कर लाए हैं, एक को लिटाते हैं और उसकी छाती को चाकू से चीर कर उसका दिल निकाल लेते हैं और उसका सिर काट कर सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देते हैं। अब हीरो की बारी आती है और जैसे ही वो उसका दिल निकालने वाले होते हैं, तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और वो रुक जाते हैं। इसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद उन सब को दूसरी जगह ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और दूर ग्राउंड के अंत में झाड़ियां होती है और झाड़ियों के पार जंगल। वो उन्हें बोलते हैं, तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। अब जो उन्हें यहाँ पकड़ कर लाए हैं, उनका सरदार अपने बेटे को झाड़ियों के पास भेज देता है ताकि अगर कोई वहां पहुंचे तो उसे सरदार का बेटा मार दे। अब वो दो लोगों को भागने के लिए बोलते हैं, वो भागते हैं और पीछे से वो खूंखार लोग उन्हें तीर और भाले से निशाना बनाते हैं और एक की मौत हो जाती है और दूसरे को भी तीर लग जाता है और वो भी गिर जाता है। अब वो हीरो और एक और आदमी को भागने के लिए बोलते हैं, वो दोनों जिगजैग भागते हैं पर एक के सिर पर तीर लग जाता है और वो मर जाता है। अब हीरो झाड़ियों तक पहुंचने ही वाला होता है कि कबीले का सरदार पीछे से तीर मारता है और हीरो की पीठ के वो आर पार हो जाता है और वो गिर जाता है, लेकिन वो मरा नहीं होता। अब सरदार का बेटा जो पहले से वहां होता है, वो उसे मारने ही वाला होता है कि वहीं पर एक और घायल पड़ा हुआ आदमी उसका पैर खींचकर उसे गिरा देता है और हीरो को बोलता है कि तुम भाग जाओ। लेकिन कबीले के सरदार का बेटा अपने हथियार से पहले उस आदमी को मारता है जिसने उसे गिराया होता है और फिर हीरो को। इसके बाद वो अपना चाकू निकालता है और जैसे वो हीरो को मारने वाला होता है, हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो तीर उसे लगा होता है उसने उसकी नोक पहले तोड़ ली होती है और वो उससे उसका गला चीर देता है और हीरो वहां से भाग जाता है। अब कबीले का सरदार और बाकी के लोग भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन सरदार का बेटा मर जाता है। अब वो सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। हीरो घायल होता है पर वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुंचना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चा कुएं के अंदर फंसे हुए हैं और वो उन्हें बचाना चाहता है। हीरो भागते भागते बहुत थक जाता है क्योंकि वो घायल भी होता है। अब उसे एक पेड़ दिखता है जो टूट के एक पेड़ के सारे टिका होता है, तो हीरो भागता हुआ उस पेड़ पे चढ़ जाता है। उसके बाद वो कबीले वाले उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं लेकिन वो उसे नहीं देख पाते, लेकिन हीरो की बॉडी से खून टपक रहा होता है। तो जब कबीले वाले नीचे से गुजरते हैं तो एक आदमी के ऊपर हीरो का खून गिर जाता है। कबीले वाले आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं आगे कोई हलचल नहीं होती, तो वहां पर रुक जाते हैं। तब कबीले का सरदार देखता है कि उसके एक आदमी के ऊपर खून गिरा हुआ है। तो जब वो खून देखता है तो ये समझ जाता है कि वो आदमी ऊपर कहीं पेड़ पर छुपा हुआ है। अब हीरो जिस पेड़ पर बैठा होता है वहीं पर वो देखता है कि एक ब्लैक पैंथर का बच्चा भी होता है और तभी ब्लैक पैंथर भी आ जाता है। अब हीरो भागना शुरू करता है उसी तरफ जिस तरफ वो लोग उसे ढूंढते हुए आगे गए थे। अब उसकी हलचल से उन्हें पता लग जाता है कि आगे से कोई आ रहा है और वो भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और उसके पीछे होता है ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर जैसे हीरो के करीब पहुंचने वाला होता है, उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी कबीले का एक आदमी जो उसे ढूंढ रहे होते हैं वो ब्लैक पैंथर और हीरो के बीच में आ जाता है और ब्लैक पैंथर हीरो को छोड़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और बाकी के लोग जो उसके कबीले के लोग होते हैं वो भी वहां पे रुक जाते हैं और वो ब्लैक पैंथर को मार देते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं हीरो को पकड़ने के लिए और हीरो भाग रहा होता है। अब कहीं ना कहीं इन सबके दिल में एक हल्का सा डर पैदा हो जाता है क्योंकि बच्ची ने भविष्यवाणी की थी कि तुम सबका अंत होने वाला है और ये सब वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी कबीले का सरदार बोलता है कि डर उसके दिल में है तभी वो हमसे भाग रहा है, एक बार वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी स्किन को छील दूंगा, मतलब उसकी त्वचा को छील दूंगा। एक जगह हीरो सांस लेने के लिए पेड़ का सहारा लेकर रुकता है तो उसके शरीर पर जो नीला रंग लगा होता है वो पेड़ पे लग जाता है। अब जब वो पीछा करते करते उस पेड़ तक पहुंचते हैं तो उनमें से एक आदमी देख लेता है कि उसके शरीर का रंग उस पेड़ पे लगा हुआ है और वो बाकी लोगों को बताता है कि ये देखो नीला रंग यहाँ पे लगा हुआ है और उसका हाथ उसी रंग पे होता है। तभी उसको एक सांप काट लेता है और उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाता है और सबको पता होता है कि अभी मर जाएगा, इसीलिए सब उसको वहां पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं और दोबारा वो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब पीछा करते करते वो उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। हीरो भागता रहता है और रास्ता आगे खत्म हो जाता है। आगे एक बहुत बड़ा झरना होता है, अगर उस झरने से वो कूदेगा तो शायद वो बच भी ना पाए और पीछे भी उसकी मौत होती है। अब उसके पास वहां से कूदने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वो उस झरने से नीचे कूद जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, वो बच जाता है और तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाता है। और किनारे पर पहुंचने के बाद वो उन सबको ललकारता है, वो उसे ऊपर से देख रहे होते हैं। अब ललकारता क्यों? क्योंकि वो अपने जंगल में पहुंच जाता है। वो उन्हें चैलेंज करता है, कहता है कि मेरे बाप ने यहाँ पे शिकार किया था और मैंने भी यहाँ पे शिकार किया और मेरे बेटे भी यहाँ शिकार करेंगे, और उन्हें चैलेंज करता है, कहता है आ जाओ। अब उनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। तभी कबीले का सरदार अपने एक आदमी को मार देता है और झरने से नीचे गिर जाता है और सबको बोलता है कि अब हम एक एक करके कूदेंगे। अब एक एक करके सब कूदते हैं, पहला आदमी बच जाता है, दूसरे आदमी जब कूदता है तो उसका सर नीचे पत्थर से टकरा जाता है और मर जाता है। इसके बाद सभी कूदते हैं और बच के वो किनारे तक आ जाते हैं और दोबारा उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब वो भागते भागते दलदल में गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से बाहर निकलता है। वो बाहर निकलकर एकदम शांत खड़ा हो जाता है।
और बोलता है मैं जैगुआर पॉ हूँ। इस मूवी में हीरो का नाम जैगुआर पॉ होता है। तो वो बोलता है कि मैं जैगुआर पॉ हूँ और ये जंगल मेरा है और मुझे किसी का डर नहीं है। अब वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वो खुद उनके सामने आ जाता है और उसने अपने सिर के ऊपर पत्ते में लिपटा हुआ मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता पकड़ा हुआ होता है। वो उस छत्ते को उनकी तरफ फेंकता है और वहां से भाग जाता है। मधुमक्खियां उन लोगों को बहुत बुरी तरह काटती है और वो लोग भी अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। अब हीरो को एक पीले रंग का मेंढक मिलता है। ये एक जहरीला मेंढक है। वो उसे पकड़ लेता है और कुछ बड़े बड़े कांटे तोड़कर मेंढक के शरीर से उन कांटों में जहर लगाता है। अब वो बहुत चलाकी से काम ले रहा होता है क्योंकि वो इस जंगल को पूरी तरह से पहचानता है और वो यहाँ बहुत बार शिकार भी कर चुका है। वो एक पेड़ के मोटे तने में अपने शरीर का कीचड़ लगा देता है ताकि उन्हें लगे कि वो वहीं से निकला है और खुद वहीं पत्तों के पीछे छुप जाता है। अब जब वो एक एक करके वहां से निकलते हैं तो वो एक पत्ते को गोल करके उसके अंदर एक कांटा डालकर जोर से फूंक मारता है और कांटा सीधा उस आदमी की बॉडी में जाकर गड़ जाता है जो लास्ट में आ रहा होता है। ऐसे ही एक एक करके वो उसे 3 कांटे मारता है और वो नीचे गिर जाता है। गिरते हुए उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकलती है जिसे उसका दोस्त सुन लेता है। ये वही आदमी होता है जिसने हीरो के बाप को मारा था। अब हीरो जब बाहर निकलता है तो उस वक्त वो आदमी भी उसके सामने आ जाता है। अब जो आदमी नीचे पड़ा है उसके सामने उसका हथियार गिरा होता है। वो हथियार उन दोनों के बीच में पड़ा होता है। अब हीरो के पास तो कोई हथियार नहीं होता लेकिन दूसरे आदमी के पास हथियार होता है। अब वो दोनों एक दूसरे की ओर भागना शुरू करते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो वो आदमी जोर से हीरो पर प्रहार करता है पर वो स्किट करके नीचे से निकल जाता है। फिर भी उसके सिर पर चोट लग जाती है पर वो स्किट करते करते नीचे से हथियार उठा लेता है और इससे पहले कि वो हीरो को दोबारा पलट कर मार पाता हीरो उसके सिर पर पूरी जान से मारता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है और हीरो उस पर एक और जोरदार प्रहार करता है और वो मर जाता है। और अब बारिश शुरू हो जाती है और उसके बीवी बच्चे कुएं में हैं और कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन है क्योंकि उसकी वाइफ को पेन शुरू हो जाता है और उसकी किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। वो भागते भागते कुएं के पास आता है। उसकी बीवी और बच्चे बोलते हैं जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकालो लेकिन वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे वो तीनों आदिवासी आ रहे होते हैं। अब उन तीनों में से जो उनका मेन सरदार होता है वो तो उसके पीछे निकल जाता है पर वो दोनों पीछे रह जाते हैं और वो उसकी बीवी और बच्चे को देख लेते हैं। पर इस वक्त वो उसे पकड़ना चाहते हैं यानी कि हीरो को पकड़ना चाहते हैं तो वो उसके पीछे चल देते हैं और उसकी बीवी और बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। अब हीरो भागता भागता रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखता है। वो थोड़ा सा घूमकर आगे बढ़ता है लेकिन तब तक कबीले का सरदार जो उसमें मेन विलन है वो उसे तीर मार देता है और वो तीर सीधा उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। अब वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और तीर को तोड़ देता है और उसे चैलेंज करता है कि आ जा। वो अपना तीर कमान नीचे फेंकता है, चाकू निकालता है और उसकी तरफ भागना शुरू करता है। तभी उसका पैर किसी चीज पर टकराता है। दरअसल ये एक फंदा होता है। आपको शुरू का सीन याद होगा जब वो एक सुअर का शिकार कर रहे होते हैं, सुअर का पैर भी एक फंदे से टकराता है और सामने से लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आता है जिस पर नुकीली लकड़ियां लगी होती है और वो उसके शरीर में घुस जाती है। ये वही फंदा होता है। अब जैसे उसका पैर टकराता है तभी सामने से वही लकड़ी का टुकड़ा आता है और उसके शरीर में घुस जाता है। और इस तरह से इस मूवी में जो सबसे खतरनाक कैरेक्टर यानी विलन होता है उसकी मौत हो जाती है। अब वो वहां से भाग जाता है क्योंकि बाकी के दो लोग भी वहां पहुंचने वाले होते हैं। उधर दूसरी ओर कुएं में पानी भरता ही जा रहा है और पानी उसकी बीवी की गर्दन तक पहुंच जाता है और उसी वक्त उसे पेन शुरू हो जाता है और उसकी डिलीवरी उसी पानी में हो जाती है। और दूसरी तरफ हीरो भागते भागते समंदर के किनारे तक पहुंच जाता है। वो घायल होता है, बहुत थक गया होता है। तभी वो समंदर की तरफ टकटकी लगाकर देखने लग जाता है और तभी वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं पर उसे मारते नहीं है बल्कि वो भी समंदर की ओर देखना शुरू कर देते हैं। वहां समंदर पर कुछ बड़े बड़े शिप खड़े होते हैं और नाव से यूरोपियन जिनके हाथ में क्रॉस का निशान होता है वो जंगल की तरफ आ रहे होते हैं। अब हीरो मौका देखकर वहां से भाग जाता है और कुएं पर जाकर अपने बीवी बच्चों को बचा लेता है। अब वो अपने बीवी बच्चों के साथ जंगल में जा रहा होता है तभी उसकी बीवी दूर से वो बड़े बड़े शिप्स देखती है और बोलती है कि हमें वहां जाना चाहिए। वो बोलता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए एक नई शुरुआत के लिए और वो जंगल के अंदर की तरफ चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।